दोस्तों मैप्स ऐसे विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जो काफी कम स्पेस में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ऐसे में अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, देन मैप रीडिंग का एक अलग ही रोल है। मैप रीडिंग के थ्रू हम वो सभी फैक्ट एंड फिगर्स इजिली मेमोराइज कर सकते हैं जो शायद हम ज्योग्राफी की मोटी किताबें पढ़कर नहीं। तो आज के इस एपिसोड में मैं जिस बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ये इस एटलस का 36th एडिशन है जो मार्केट में फरवरी 2020 में आया था। MRP इस बुक की 400 है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये एटलस यूजफुल लगे तो आप इसे बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। दोस्तों इसमें आपको इंडिया वर्ल्ड और जो स्पेसिफाइड रीजंस हैं उनके आपको थीमेटिक पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स मिलेंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इस एटलस में कवर की हुई मिलेगी। अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस एटलस के कंटेंट को बारीकी से। दोस्तों अगर आप चाहो तो ऑक्सफोर्ड एरियल नाम का ऐप आप अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और जो एडिशनल एक्सरसाइजेस रहती हैं, रेफरेंस मैप्स रहते हैं, एनिमेटेड वीडियोस रहती हैं, उनसे आपका एक्सेस हो जाएगा। उस ऐप पर जाकर आपको सिंपली इस बुक का फ्रंट कवर स्कैन करना है। हालांकि वो डायरेक्टली भी आपको मिल जाएगा, वो फ्री रिसोर्सेज है, तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास ये बुक है केवल वही उस चीज़ को एक्सेस कर सकते, कोई भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो आपको उस ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस बुक को खोलते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट को कि कैसा रहता है इस बुक का कंटेंट। ये आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें आपको सबसे पहले मैप्स एंड मैप मेकिंग के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप्स मिलेंगे, देन पॉलिटिकल, फिर फाइनली इंडिया के थीमेटिक मैप्स आपको मिलेंगे। फिर एक कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स के आपको मैप मिलने हैं, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, ओशियंस एंड अंटार्कटिका। वर्ल्ड के आपको फिजिकल, पॉलिटिकल, क्लाइमेटिक और भी काफ़ी सारे मैप्स मिलेंगे। फिर वर्ल्ड के आपको फैक्ट एंड फिगर्स मिलने हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फ्लैग एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, लैंग्वेज, करेंसी एंड GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफिकल कंपैरिजंस और फाइनली वर्ल्ड टाइम जोन्स। और लास्ट में आपको इंडेक्स मिलेगा 8-9 पेजेस। तो आपको कार्टोग्राफी की हिस्ट्री मिलेगी कि कार्टोग्राफी कैसे डेवलप हुई, कार्टोग्राफी होती क्या है, द एज ऑफ मॉडर्न कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, मैप्स एंड ग्लोब्स, मैप प्रोजेक्शंस, फिजिकल रिलीफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और भी काफ़ी बेसिक सी डिटेल आपको मिल जाएगी, जैसे सोलर सिस्टम, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड प्लूटोइड्स, सन, फेसेस ऑफ द मून, टाइड्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द जाइंट जिग्सॉ पजल इनसाइड द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स की अर्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है वो सभी आपको बताया जाएगा, लिथोस्फेयर, जियोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, फिर एटमोस्फेयर की जो लेयर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, बायोस्फेयर, हीट बजट ऑफ द अर्थ, एटमोस्फेयर क्लाउड्स, फिर कॉन्ट्रोल्स एंड लैंडफॉर्म्स जो एसेंशियल फीचर रहते हैं मैप ब्रीडिंग और मैप मेकिंग में। फिर ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप मिलेगा जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कवर की हुई मिलेगी, जैसे कि ये फैक्ट एंड फिगर्स आप देख पाए हो, इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट, देन पीक्स ऑफ द हिमालयस, माउंटेन पासेस इन इंडिया। तो आप पहले ही मैप को देख के समझ सकते हो कि इस बुक की विजुलाइजेशन कैसी रहती है। काफ़ी अच्छे से मैप इसमें गिविन है और ऐसा लगता है कि आप गूगल पर किसी एक इमेज को सर्फ कर रहे हो, यानी कि इस बुक के पेजेस और प्रिंट क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत अच्छी ये लगेगी। फिर दूसरा मैप मिलता है इस बुक में आपको, दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये पॉलिटिकल मैप है, आपको साइड में इंफॉर्मेशन मिलेगी इंडिया स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, जो कैपिटल्स रहती हैं, एरिया जो रहता है स्टेट्स का, जो टोटल पॉपुलेशन है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो मैप्स के साथ साथ आपको इस एटलस में इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। एक्स्ट्रा तो ये बुक किसी भी एक पार्ट का एग्जाम के लिए डिज़ाइन नहीं की गई, लेकिन ये बुक सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूजफुल हो सकती है, चाहे वो UPSC प्रीलिम्स हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, क्योंकि मैप रीडिंग एक ऐसा फीचर रहता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हो और आपको मज़ा भी आता है मैप रीडिंग करते समय। ये नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया का आपको मैप मिलेगा जिसमें नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स कंबाइंड किए हुए मिलेंगे। फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश, सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका, फिर उसके बाद इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड चंडीगढ़ के आपको मैप्स मिलेंगे, इंडिया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर ये जो आइलैंड हैं अंडमान एंड निकोबार और आपके लक्षद्वीप, उनके आपको इन डेप्थ मैप मिलेगा जो शायद बहुत कम एटलस में कवर किया होता है। फिर आपको थीमेटिक मैप्स मिलेंगे इंडिया के, जैसे कि इंडिया फिजियोग्राफी, इंडिया जियोलॉजी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर एंड मेजर फॉल्स एंड थ्रस्ट, इंडिया टेम्परेचर एंड प्रेशर,
फिर इंडिया रेनफॉल एंड विंड्स, इंडिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनुअल टेम्परेचर, मानसून रेनफॉल ट्रेंड्स एंड क्लाइमेटिक रीजंस, बायोजोग्राफिक जोन्स, वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड, सॉइल एंड लैंड यूज, ड्रेनेज बेसिन्स एंड ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के जो थीमेटिक मैप्स कवर किए गए हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। इवन इन्होंने बिल्कुल लास्ट में मेंशन किया है कि किस टॉपिक से कितने मैप्स आपको इसमें मिलते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि टोटल 16 मैप्स आपको इंडियन क्लाइमेट पर मिलेंगे, 22 मैप्स आपको इंडिया की खेती बाड़ी पर मिलेंगे, 23 मैप्स आपको मिलेंगे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज पर, 17 मैप्स आपको डेमोग्राफी और ह्यूमन डेवलपमेंट पर मिलेंगे, तो वही 10 मैप्स इन्वायरमेंटल कंसर्न्स नेचुरल हजार्ड्स पर मौजूद हैं इस बुक के अंदर। ये इंडिया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड एग्रीकल्चरल रीजन्स, इंडिया कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स के बारे में आपको बताया जाएगा, मेटल कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, किस किस जगह डिस्ट्रीब्यूट है, कौन कौन से मेटल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इंडिया के थीमेटिक मैप्स में मिल जाएगी। ये कल्चर, हेरिटेज, नेचुरल हजार्ड्स, तो काफ़ी सारे मैप्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ये एशिया का पॉलिटिकल मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एशियन कंट्रीज रहती हैं वो सब आपको मिल जाएंगी विद देयर कैपिटल्स और इम्पोर्टेंट सिटीज। देन जो सार कंट्रीज हैं यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के जो मेंबर नेशंस हैं उन सब के आपको मैप्स मिल जाएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इंडिया का तो ऑलरेडी आई है, फिर चाइना, मंगोलिया एंड ताइवान के आपको फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स कंबाइन किए हुए मिलेंगे, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यूरोप का पॉलिटिकल मैप आपको मिलेगा, फिर उसके बाद ये यूरेशिया का, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अलास्का, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सबके फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स आपको मिल जाएंगे। जैसा आप ये देख पाए हो साउथ अमेरिका का ये फिजिकल मैप है और बराबर में आपको ये पॉलिटिकल मैप मिलेगा जिनके थ्रू आप कंट्रीज की कैपिटल्स जान सकते हो और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, कैनल्स हैं या फिर जो भी सीज हैं वो सब आप जान सकते हो इन पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स के थ्रू। ये ओशिनिया का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही मैप आपको मिलेंगे। ये ओशिनिया क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, पैसिफिक ओशियन और सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड का आपको मैप मिलेगा, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। तो दोस्तों इस बुक का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, इस एटलस के थ्रू आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हो और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो ये एटलस काफ़ी यूजफुल आपके लिए प्रूफ होगा। साथ साथ अगर आप जनरल रीडिंग करना चाहते हो यानी कि आपको इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में और मैप रीडिंग में, तब भी ये एटलस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रूफ होगा। मैं नहीं कह सकता कि ये एक कंप्लीट और सफिशियंट एटलस है, और भी अच्छे अच्छे एटलस आते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड का आता है स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया जो स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ओरियंट ब्लैक स्वान का एक एटलस आता है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसका भी रिव्यू मैं आपको जल्दी दूंगा। तो ये एटलस काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको विजुअलाइजेशंस काफ़ी अच्छी मिलती हैं और जो पेपर क्वालिटी है इस बुक की वो भी काफ़ी बेहतरीन है। ये आपको जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग्स, कैपिटल्स, करेंसीज, जीडीपी, लैंग्वेजेस जो हैं, जो मेजर लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं, वो सब आपको मिलेंगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, जीडीपी पर कैपिटल, लिटरेसी एंड स्कूलिंग, हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू 2016, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्टिलिटी रेट और भी काफ़ी सारी टेबल्स एंड फिगर्स आपको मिल जाएंगी। ये वर्ल्ड ज्योग्राफिक कंपैरिजंस हैं जिसमें आपको अर्थ की फैक्ट फाइल मिलेगी, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस कितना एरिया वो कवर करते हैं, परसेंटेज शेयर और आपके ये हाईएस्ट पीक्स एंड लॉन्गेस्ट रिवर्स इन दी वर्ल्ड। तो इस एटलस के थ्रू सिर्फ ना आपको मैप्स मिलते बल्कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर की हुई मिल जाती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये आपको इंडेक्स मिलेगा कि कौन से पेज पर आपको क्या मिलता है। तो दोस्तों इस बुक का जो कंटेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है, आप इस एटलस के साथ जा सकते हो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और टोटल 144 पेजेस में ये एटलस तैयार किया गया है, हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली रहता है, 400 इस बुक की एमआरपी है, लेकिन फिर भी ये जस्टिफाइड है जिस हिसाब से इन्होंने प्रिंट क्वालिटी रखी है इस एटलस की। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर इस एटलस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही बुक्स का रिव्यूज़ आपको आगे भी मिलते रहे। तो चलिए मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।